बांग्लादेश टीम के कप्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं, अब भारत की बारी है, इनको भी हम 2-0 से हरा के जाएंगे। ये सवाल अगर रोहित शर्मा से हो तो वो क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि मजे लेने दो यार, इनको कहने दो। इससे पहले इंग्लिश टीम आई थी, उसके कप्तान भी बड़ी बातें करके गए थे, रिजल्ट क्या हुआ था, हम जीते थे। तो हम तो बातों पे बिलीव ही नहीं करते, हम तो एक्ट पर बिलीव करते हैं, यानी अमल पे बिलीव करते हैं। जब मैच शुरू होगा फिर देखा जाएगा। देसी बंदे की जो होता है ना, देसी देसी ना करवे, वो जो उसकी जो मजा आता है ना बात सुनेगा, हाय 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 हाय। देखिए ये विराट कोहली करता है ना, उसमें एग्रेशन गुस्सा ये वो नजर आता, कोई और करता बाबर ईशान मसूद या लेट्स सपोज बेन स्टोक्स समवन एल्स एनीवन, उसका वो मजा नहीं आता। जो मजा आता है रोहित शर्मा ये रोस्टिंग करता है, ये घोषणा करता है, ये घोषित करता है और ये बेहोशी भी करता है। इतना जबरदस्त तरीके से बोलता है ये बंदा, आप यकीन करें, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा'स प्रेसर्स, हिज एक्शंस, हिज ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रिप्लाइज एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एक्शंस। हाय 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 हाय, नहीं इंडिया किया मतलब हलवा समझा हुआ है, नहीं इंडिया पाकिस्तान की टीम है, नहीं इंडिया पाकिस्तान की तरह की टीम है, इंडिया नेदरलैंड की टीम है, इंडिया को जिम्बाब्वे है, आओगे मारोगे बेटा, मारना दूर की बात है। मैं लिख के एक बात बता रहा हूं, स्पिन ट्रैक बनेगा उस पे बुमराह आपको बजा देगा, स्पिन ट्रैक बनेगा उस पे ना बुमराह जो आपका बाप है ना वो आपको बजा देगा उधर पकड़ के। ये रोहित शर्मा के समझाने का स्टाइल है जिसको मैं आपके सामने जरा और तरीके से बयान कर रहा हूं। तो रोहित ने भी यही बात की है, कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 5 टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, लेकिन उससे जो पहले के 5 टेस्ट मैचेस हैं हम उनको भी हल्का नहीं ले रहे। 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट हैं जो कि 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी सीरीज, उसके बाद 3 टेस्ट मैचेस वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं। तो रोहित सेड कि हमारा जो होम सीजन है ना, हम उसका स्टार्ट जिसे कहते हैं धांसू किस्म का चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया वार्म अप कर लो। इतना इज्जत नहीं मिलता भाई विजिटिंग साइड को, थोड़ी थोड़ी सी मिल जाती है कभी कभी, लेकिन इतनी नहीं कि आप जाके सीरीज जीत जाएं, आप जाके व्हाइट वॉश ही कर जाएं। तो वो शायद कि आपको किसी और जगह पे जाके इस तरह के मजे मिलते हैं, इंडिया में नहीं। तो ये अपनी परफॉर्मेंस से आप बता दीजिएगा, आप उनको जो थोड़ा सा सबक वो शायद भूल गए हैं तो आप याद दिला दीजिएगा। अभी इनको मजे लेने दो, कोई मसला नहीं है। ये रोहित शर्मा और इनका स्टाइल है सब जानते हैं, मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी अटेंड की हैं, बड़े चिल मोड में मीठे माहौल के अंदर बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ी एक कंक्लूसिव टाइप की उनकी टॉक होती है, टू द पॉइंट बात करते हैं, सबसे भड़के के बॉडी लैंग्वेज में यू नो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। क्यों ना आए, आप इतनी बड़ी यू नो जीत के साथ चल रहे होते हैं, आपने एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एक आप जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हुए हैं, मतलब उस टीम के आप कप्तान हैं, तो वो रहेगी बॉडी लैंग्वेज। और पिछले अगर आप 4-5 वर्षों में स्पेशली देखें तो टीम इंडिया की जो प्रोग्रेस है शायद किसी और टीम की उस तरह की है नहीं, कहीं पर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मैच डाला तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम डालती है उनके, अदरवाइज फीका पड़ता है। और अपने घर में तो वो हार नहीं रहे हैं और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं हार रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार लास्ट 2 टूर वो जीते हैं। उनसे फिर सवाल हुआ कि ड्रेस रिहर्सल तो नहीं ऑस्ट्रेलिया में जो अपनी सीरीज खेली है 5 T20 मैच की बॉर्डर गावस्कर, तो उन्होंने बोला कि नहीं हर टीम अपनी टीम के लिए आती है, तो हम हमारे लिए वो नहीं है, जो अपने नेशन के लिए खेल रहा है तो हम तो उस तरह से लेंगे, क्योंकि 2 मैच इनके साथ खेलने हैं बांग्लादेश के साथ और 3 मैच फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, उसके बाद 5 मैच खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इनका होगा वो खत्म हो चुका होगा। सारे अभी तक तो टॉप पे हैं और बेस्टर जीतने के बाद वो टॉप पर ही रहेंगे, जो अभी तक अपेरेंटली लग रहा है कि फेवरेट है फाइनल के लिए, ऑफकोर्स बाकी किसी टीम का सुफिसत नहीं है। अगरचे इनका भी अगरचे ये ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच हार भी गए तब भी इनका चांस बना रहेगा, बट फिर भी इनकी जो टेस्ट रैंकिंग काफी बेहतर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कमिंग बैक टू बांग्लादेश वर्सेस इंडिया सीरीज, इस पर नहीं राणा बड़े एंबिशियस हैं कि वो भारतीय बल्लेबाजों को कैसा तंग कर सकते हैं। मैं तो दीवाना हूं, क्या बात है, करता प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इंग्लैंड वालों ने भी की थी, हर एक का शौक होता है इंडिया में आके इंडिया को हराना, हमारी टेक्निक बेसिक सिंपल होगी, हम वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमारे कोच कौन है, हमारे कप्तान क्या है, हमारे लिए बांग्लादेश सीरीज ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तैयारी नहीं है। वो कहते हैं खाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे करते हैं, सारे चाहते हैं, आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई बोल नहीं है, मैं ऑन फील्ड चाहता हूं, क्या ऑन फील्ड हमारी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। इंग्लैंड वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रेस्ट इज हिस्ट्री। सबसे बड़ी बात, अगर टीम है बांग्लादेश आ रही की ख्वाहिश होती है, नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, हर टीम आती है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हराने का ख्वाब सजाए, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है कि जो मर्जी करते रहे, हमें इससे क्या है कि कोई अगर ख्वाब देख रहा है तो उसे ख्वाब देखने देना चाहिए, हमें इसमें क्या एतराज है कि ख्वाब देख रहा है तो देखे, हम ऑन फील्ड करेंगे। लेकिन वो बुमराह पहले ही आपका काम तमाम कर चुका होगा, जो आप जिस आकड़ में बैठे हुए हो ना बेटा, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। हाँ इजी किसी भी टीम को नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडिया सामने, और इंडिया अपने घर में बेटा पिछले 11 सालों से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा, वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं सांस लेने देते, वो इंग्लैंड को सांस लेने नहीं देते, वो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को सांस लेने नहीं देते, तुसी केड़ी खेदी मुली हो। घंटे के जो फैन है ना 2 टके के, वो तो यही सहज रहे हैं, बांग्लादेश आएगा इंडिया को हराएगा, बेटा हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि अपने घर में हार के जलील बेइज्जती करवा के साइड को जाना।
वो जैसे होता है ना, जैसे सर्दी आने से पहले क्या होता है, हुडी शुडी बाहर आती हैं, हल्के फुल्के गर्म कपड़े बाहर आते हैं, स्वेटर स्वेटर हाफ स्लीव टाइप दिस दैट, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू होते जाते हैं। जैसे कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो स्वेटर के ऊपर ही चढ़ा लिया जैकेट भी, हुडी के ऊपर ही कुछ और चढ़ा लिया, फुल जर्सियां पहन ली, नीचे मोजे पहन लिए, डबल डबल वो पहन लिए, क्या उसको कहते हैं ट्राउजर्स, ये वो चक्कर नहीं है, ये सीधा सीधा भैया हर टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तो आप चेक करें ना कि आपको इंडियन लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की नजर आती है, ये जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगी, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं ना क्या उसको कहेंगे, एक डिसीजन ऐसा है कि जिसके ऊपर लोग ना थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन अब वो भी ना अनकंफर्टेबिलिटी भी ना वो डूबियस किस्म की है कि यार हम ठीक सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। वो सरफराज खान और राहुल वाली है जो कि अब प्लेइंग 11 जब अनाउंस होगी तभी कंफर्म ठप्पा लगेगा, लेकिन अभी तक खबरें यही आ रही हैं कि सरफराज खान नहीं खेलेंगे, उनकी जगह के ऊपर केएल राहुल खेलेंगे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा जरा लोग जरा चिचमिच कर रहे हैं कि यार इतने अरसे बाद सरफराज को चांस दिया था तो रेगुलर तो खिलाएं, क्योंकि केएल राहुल का लोगों को आया कि यार उसके इतने तो रन नहीं है कि आप उसे इतनी वो दे रहे हैं, मतलब चांस पे चांस दे रहे हैं। रोहित के अपने कुछ मामलात हैं, वो इसके ऊपर अभी उन्होंने ऐसी सच बात नहीं की। डेफिनेटली जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो फिर शायद रोहित से पूछा जाएगा कि भैया आपने अगर सरफराज को नहीं खिलाते प्लेइंग 11 में तो क्यों नहीं खिलाया, उसकी कोई रीजनिंग तो डेफिनेटली वो रोहित शर्मा से ली जाएगी, गौतम गंभीर से भी पूछा जाएगा। तो अभी देर आर अ लॉट गोइंग ऑन, लेकिन ये बात तो कंफर्म होगी और इससे ना आपको इंडियन माइंडसेट का पता चल जाता है कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ना वो किसी भी चीज़ को हल्का नहीं ले रहे। और वो अपना छोटा चेतन ने जब कहा था ना कि यार हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी टारगेट करेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को भी टारगेट करेंगे, तो बेसिकली उससे पीछे ना छोटा चेतन ने तीन इवेंट्स को टारगेट करने की बात की थी, वर्ल्ड T20 को वो उन्होंने पेल दिया, अब आ गया चैंपियंस ट्रॉफी, उसका देखते हैं क्या होता है, आते हैं नहीं आते वो अब डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा नहीं होंगे, हालांकि वो तो T20 कप्तान है ना, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेले तो उनको रन दे दिया जाएगा, तो जो कप्तान होंगे वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, सुन लीजिएगा, और अभिषेक शर्मा, और इसी के साथ साथ जायसवाल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के अंदर। तो कहते हैं ना इट्स ओनली टेस्ट क्रिकेट, देयर इज T20 क्रिकेट हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द टेस्ट सीरीज एज वेल, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन सी व्हाट इज बेस्ट फॉर द टीम एंड देन मैनेज योर बॉलर्स अराउंड इट। बिल्कुल सही बात किया रोहित शर्मा ने, देखिए जी आपको देख के चलना पड़ता है, वर्ल्ड लोड जो है ना उसको मैनेज करना पड़ता है। पाकिस्तान ने यही गलती की थी और हुआ क्या था कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर नसीम शाह अवेलेबल नहीं था, तो ये बहुत ज्यादा सा कहता ना खतरनाक चीज है पाकिस्तान को, तो गलती का साफ हुआ था। तो गैरी क्रिस्टो ने भी यही बातें की कि वर्ल्ड लोड बहुत ज्यादा जरूरी है, शाहीन अफरीदी का एक स्कैरी स्ट्रैट ये है कि पिछले 18 महीने के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने 3 गुना ज्यादा ओवर्स फेंके हैं दूसरे इंटरनेशनल बॉलर्स की निस्बत, इससे अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना बॉलिंग कर रहा है, तो ये सही नहीं है। रेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे वर्कलोड को मैनेज करना पड़ता है, वरना आपकी क्रिकेट आप एक्सपायर हो जाते हो, आप जैसे कहते हैं अनफिट हो जाते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि शादाब खान का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान बनना क्या आपको कबूल है इस चीज को, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का बोर्ड क्या करेगा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि शादाब खान को कप्तान ही बनाएंगे जितना मर्जी से क्लैन मुश्ताक जैसे कहते हैं ना प्रेशर क्रिएट करते हैं। हाँ वो अलग बात है PSL जीता, लेकिन उसकी टीम आप देखिए, उसकी टीम की परफॉर्मेंस थी, इधर भी अगर आप देखेंगे तो बच्चों को आउट करके वो हवाओं में उड़ रहा है, ऐसे थोड़ी होता। दोस्तों आज रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर इंडिया और बांग्लादेश के जो टेस्ट हैं और न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसके बारे में उनसे सवाल जवाब किए गए थे, और उन्होंने सारे डिटेल में सब कुछ बताया, अपनी प्लेइंग 11 के बारे में बताया, और जो भी उनसे सवाल किए थे सबका उन्होंने जवाब दिया। और उनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि क्योंकि अभी अभी जो है बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को 2-0 से वाइट वॉश करके गई है, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा उछल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई है, तो उनके उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो है इंडिया को भी 2-0 से वाइट वॉश करके जाएंगे जैसे पाकिस्तानियों को वाइट वॉश किया है। तो इसके जवाब में रोहित शर्मा ने बोला है कि भाई उनको जो है मज़े लेने दो, बोलने दो, इससे पहले जो इंग्लैंड ने भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बकवास की थी जिसके बाद भाई सबको पता है रेस्ट इज हिस्ट्री, उन्होंने अच्छी तरह फेल के भेजा है उनको इंग्लैंड वालों को। तो ये बांग्लादेश की तरफ से बयान आने लग रहे हैं जैसे कि एक मेंटली प्रेशर बनाते हैं, उस हिसाब से बयान देते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो सोच रहे हैं कि भाई इंडिया की टीम के ऊपर भी कुछ प्रेशर बनाया जाए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो इतिहास रच के आए हैं, पाकिस्तानियों को पेल के आए हैं, तो भाई उनको भी लग रहा है कि हम इंडिया को वैसे हरा के और ये सीरीज में वाइट वॉश करके निकल लेंगे। तो भाई इन बांग्लादेशियों का ये फालतू का वहम है जो कि अब जैसे टेस्ट शुरू हो जाएगा उनको पता चल जाएगा उनके औकात क्या है। इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है अनाउंस कर रखी है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरेंगे, और भाई बंगाली अब टाइम बताएगा बंगाली कितने पहले जाते हैं और क्या कुछ रहता है। इंडिया के जो जितने भी टेस्ट मैचेज होंगे सारे इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा ने यही कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हम हल्के में ले रहे हैं, सभी जो टेस्ट मैचेज है सबको इंपॉर्टेंट समझते हैं और सब सबके लिए जो है उनको प्रैक्टिस सेशन जैसे स्टार्ट हो रहे हैं रोहित शर्मा।